भोजपुर पुलिस की बड़े उपलब्धि। पीरो थाना अंतर्गत घटना को कारित करने से पूर्व एक अपराध कर्मी एक देसी पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। रात्रि में अगोस्ताक्षर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पीरो थाना अंतर्गत इब्राहिमपुर में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के अपराध कर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उक्त सूचना का सत्यापन एवं अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु अगोस्ताक्षरी द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो के नेतृत्व में थानाध्यक्ष पीरो थाना एवं थाना के सशस्त्र बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीरो थाना अंतर्गत ग्राम इब्राहिम नगर से रेड छापेमारी कर एक अपराध कर्मी सिकेंद्र कुमार पिता वीरेंद्र सिंह गोविंद डी थाना पीरो जिला भोजपुर को गिरफ्तार किया गया तथा उसका विधिवत तलाशी लिया गया तो उनके पास से एक देसी पिस्टल एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं भोजपुर पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए गढ़हानी थाना अंतर्गत फायरिंग की घटना में संलिप्त एक अपराध कर्मी को एक देसी पिस्टल एवं चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वादी गुप्तेश्वर कुमार पिता दूधनाथ राम साकिन नहसी थाना गढ़हानी जिला भोजपुर दिनांक 31/10/2023 को समय 8:15 पूर्वान रोज की भांति पेट्रोल पंप धयानी टोला थाना चार पोखरी अंतर्गत वादी ड्यूटी के लिए अपने दोस्त रजनीश के मोटरसाइकिल पर एवं साथ में मनीष कुमार के साथ जा रहा था। उसी क्रम में वादी अपने दोस्तों के साथ जैसे ही गढ़हानी पेट्रोल पंप से आगे बढ़ा कि एक उजला रंग के अपाची पर सवार विशाल यादव अनिल यादव नहसी थाना गढ़हानी जिला भोजपुर राहुल गिरी शिव प्रसाद गिरी साकिन पड़रिया थाना चरपोखरी जिला भोजपुर ने पूर्व के विवाद को लेकर वादी पर फायरिंग की। घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आरा के नेतृत्व में थानाध्यक्ष गढ़हानी थाना एवं थाना के सशस्त्र बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा रेड छापेमारी कर उक्त घटना में संलिप्त एक अभियुक्त राहुल गिरी पिता शिव प्रसाद गिरी साकिन पड़रिया थाना चरपोखरी जिला भोजपुर को धमनिया रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उसके शरीर का विधिवत तलाशी लिया गया तो उनके पास से एक देसी पिस्टल चार जिंदा कारतूस एक मोबाइल एवं मोटरसाइकिल बरामद किया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। एक मामला पीरो थाना अंतर्गत है और दूसरा मामला गढ़नी थाना अंतर्गत है। पहला मामला पीरो का है जिसमें एक अपराधी का इब्राहिमपुर में सूचना मिली थी कि हथियार के साथ घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देगा और उक्त सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष पीरो तुरंत अपने पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हैं और उक्त अपराध कर्मी जिसका नाम है सिकेंद्र कुमार पिता वीरेंद्र सिंह ये गोविंद जी पीरो थाना का रहने वाला है इसको गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया और इसका आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है कि पूर्व में इसका आपराधिक इतिहास है कि नहीं और आसपास के थानों को इसको सूचना दी गई है और आपराधिक इतिहास इसका मिलता है तो अन्य कांडों में भी इसको रिमांड किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मामला गढ़नी थाना अंतर्गत है। गढ़नी थाना अंतर्गत कल सुबह यानी 31 अक्टूबर की कल सुबह जो है एक पेट्रोल पंप है उद्यानी टोला के पास में जो है वहाँ पे पता चला कि कुछ लड़के हैं जो आपसी में जो किसी विवाद को लेकर जो है और एक दूसरे के ऊपर गोली चलाए हैं। जैसे थानाध्यक्ष गढ़नी को सूचना प्राप्त होती है तो इन्होंने तुरंत अपने पुलिस बल के साथ जो है इसका सत्यापन करते हैं और सत्यापन करने के बाद इन्होंने छापामारी की। छापामारी के बाद एक लड़का गिरफ्तार हुआ जिसका नाम है राहुल गिरी पिता शिव प्रसाद गिरी पररिया चार पोखरी का रहने वाला है और दूसरा जो लड़का था उसका नाम विशाल यादव ये अभी फरार है जो नसी का रहने वाला है उसको भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम शिव प्रसाद राहुल गिरी है राहुल गिरी पिता शिव प्रसाद गिरी इसको पास से एक देसी पिस्टल चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल जिससे फायरिंग किया था उसको बरामद कर लिया गया है और दूसरे अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयासरत है और राहुल गिरी के ऊपर अगर अन्य कोई कांड दर्ज है उसके लिए जो आसपास के थाना से जो है सूचना संकलन किया जा रहा है कि इसमें इनका कुछ जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि संभवतः किसी प्रेम प्रसंग को लेकर जो है आपसी लड़ाई हुई थी और उसी को लेकर किसी से बातचीत के लिए जो है आपस में गोली चलाए थे और जो गोली चलाए थे ये चार राउंड गोलियाँ भी चली थी तो चार खोखे भी बरामद हुए हैं और चार जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इस तरीके से जो एक अपराध कर्मी गिरफ्तारी हो गई है अन्य की भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।